आइए अपने प्रसंग पर आध्यात्मिक ज्ञान स्पिरिचुअल नॉलेज अर्थात आत्मज्ञान अर्थात मैं कौन हूँ हु एम आई हूँ कौन छू स्वयं को जानना ये आध्यात्मिक ज्ञान है। स्वयं को पहचानना स्वयं को समझना मैं कौन हूँ ये जिसको ज्ञान हो गया। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जिसको आत्मबोध हो जाता है तो क्या होता है न जायते मृते वा कदाचि नयम भूता भविता वा न भूय अजो नित्या शास्त्र एवं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर वा सांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाते नरो प्राणी तथा शरीरण विहाय जीर्णानि अन्यानि संयात नवानि देहि नयनम छिन्दन्त शस्त्राणि नयनम दहत पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यत मारुता। जिस दिन तुमको आत्मज्ञान होगा उस दिन ये आपको अनुभव हो जाएगा कि शरीर के मरने पर भी इस आत्मा की मृत्यु नहीं होती। ये शरीर की मृत्यु यमराज शरीर को मार सकता है लेकिन इस आत्मा को नहीं मार सकता है। और मैं अमर आत्मा हूं अजर हूं अविनाशी हूं ये शरीर नाशवान। वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है कि शरीर के परमाणु 7 वर्ष में समस्त चेंज हो जाते हैं। 7 वर्ष में शरीर एकदम नया हो जाता है। इसलिए 7 वर्ष के बाद आप किसी को मिले तो आपको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव आया है। रोज मिलते तो पता नहीं चलता। 7 वर्ष में परमाणु चेंज हो जाते हैं। ये शरीर नश्वर है क्षणभंगुर है मरण धर्मा है। शरीर तुम नहीं हो तुम शरीर को जीवित रखने वाले जीवात्मा। इस आत्मा का नाम जीव है। जीव इसलिए नाम है क्योंकि यह शरीर को जीवित रखता है। और जिस दिन यह जीव रूपी पंछी इस शरीर के पिंजड़े से उड़ जाता है इस शरीर मृतक हो जाता है। और शरीर ही तुम्हारा पिता बनता है शरीर ही मां बनता है शरीर सासू बनती है शरीर भाई बनता है शरीर पति पत्नी बनता है। आत्मा ना किसी का भाई बनता ना बाप बनता ना माँ बनता है ना सासू बनता ना पति बनता ना पत्नी बनता। ये आत्मा ना नर है ना नारी है। आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप अजर अमर अविनाशी वो परम तत्व है जो नर नारी से पृथक है। ये आत्मज्ञान है। यदि आपको आत्मज्ञान हो गया तो भटकना बंद हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं ना पानी में मीन प्यासी मुहि सुन सुनी आवे हंसी। मछली पानी में रहती लेकिन प्यासी है तो कबीर कहते मुझे हंसी आती है कि पानी में है उसे पी लेना चाहिए। लेकिन मछली पानी को जान नहीं पाती कि मैं पानी में हूँ यही पानी मेरी प्यास बुझाएगा। मछली समझती नहीं। जल बिच कमल कमल बिच कलियां तही पर भंवर निवासी और सो तेरे घटमा ही विराजे परम पुरुष अविनाशी पानी में मीन प्यासी मुई सुन सुन आवत हाँसी। भजन गाने वाले तैयार रहना इसी को गाना है भी ठीक लास्ट में गा देना कोई प्यासा ना रह जाए। ये सब मीन बैठी है प्यासी है। आत्म ज्ञान बिना नर भट कई कोई मथुरा कोई काशी पानी में मीन प्यासी। सब गाइए पानी में मीन प्यासी मुहि सुनि सुनि आवत हासी मुहि सुनि सुनि आवत हासी मुहि सुनि सुनि आवत हासी पानी में मीन प्यासी आत्मज्ञान मुहि सुनि सुनि आवत हासी तुम ज्ञान बिना नर भटके आत्म ज्ञान बिना नर भटके
कोई मथुरा कोई काशी, मोही सुनी सुनी आवत हांसी। पानी में मिलीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवत हांसी। सुनी सुनिया पानी में है मछली लेकिन प्यासी, आत्मा रूपी परमात्मा तुम ही हो लेकिन तुम काशी मथुरा में परमात्मा को ढूंढ रहे। कहां कहां तुम ढूंढने जाते हो, जहां कोई बता देता है वहां चले जाते हो कि शायद यहां भगवान मिल जाए। भगवान पर दुखेन यो दुखी सुखो यस्य परस्त्रिया, संसारे यस्मिन सह विज्ञेया साक्षात देव हरि स्वयं। पद्म पुराण का ऋषि कहता है जो दूसरों के दुख में द्रवित हो जाता है, दूसरों के सुख को देखकर जो प्रसन्न होता है वही साक्षात हरि भगवान है, और उसी को भगवान समझ करके नमन कर लो आशीर्वाद मिल जाएगा। वो भगवान है जो दूसरों के दुख दूर करे, दूसरों के सुख को देखकर प्रसन्न हो। ये बहुत कठिन साधना है। अधिकतर तुम लोगों को दुखी देख करके खुश होते हो, सुखी देख हो करके तुम बहुत दुखी हो जाते हो। नहीं, खुश हो जाइए। ईर्षु घृणिना संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता प्रभाग्य जीवी छ खड़े थे नित्य दुखिता। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, क्रोध करने वाला, संतोष न रखने वाला, दूसरे की कमाई पर जीवित रहने वाला, हमेशा संदेह करने वाला, छह प्रकार के लोग विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र सदैव दुखी रहते हैं, कभी सुख नहीं पाते हैं, इसलिए छह अवगुण